अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? तो आज का दिन जितनी जल्दी शुरू होगा ना उतनी जल्दी खत्म भी हो जाएगा। वीडियो दिन तो बहुत लंबा था और दूसरा ये कि आज कोई मुझे गलती से काम मिल गया था तो मैंने सोचा क्यों ना वो किया जाए। मैं ऑनलाइन वर्क करती हूँ और ट्रस्ट मी, अगर ये आपका चल रहा है ना तो दुनिया में इससे बड़ी नेमत और कुछ नहीं हो सकती कि आप घर बैठे अर्निंग कर रहे हो और वो सूटेबल भी हलाल है। अच्छा, काम करते करते ना मुझे 12:01 ऐसे बज गया था और कुछ खाया ही नहीं था। इसी वजह से मॉर्निंग के अंदर ना मैंने जो है वो ब्रेड और थोड़ा सा शक्कर खा ली थी। और ये होता है एयर कुशन, अगर आपकी बैक जो है वो इजाज़त नहीं दे रही ना ज़्यादा देर बैठने की, या आपको कोई भी मसला है जोड़ों का पट्ठों का, तो मेरी तरह आप इसका इस्तेमाल करें। या वैसे भी अगर आप ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते हैं और आपका काम ही ऐसा कुछ डिमांडिंग सा है जिसके अंदर आपको ज़्यादा देर बैठना पड़ रहा है, इसके अलावा भी अगर आप हेल्दी भी है ना फिर भी आप इतनी देर बैठ ही नहीं सकते, आपकी कमर जो है ना पेन करना शुरू हो जाएगी, तो मैंने उसके लिए जो ना वो ये लिया हुआ है कि जब भी मुझे ज़्यादा देर बैठना पड़े मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। और अगर दोपहर की बात की जाए ना तो दोपहर का जो होता है लंच, वो तो आज हुआ ही लेट था, क्योंकि अगर ब्रेकफास्ट लेट हुआ था तो लंच भी लेट हुआ था। और लंच के अंदर अजी पालक आलू और मूली की सब्जी, साथ में जो है वो टिंडे थे, बंद भी नहीं थी, टिंडे थे, आज खीरा है और साथ में रोटी है। आप लोगों को देख ले, आप लोगों को जो भी पसंद है आप खा सकते हैं, लेकिन ये श्योर करें कि अपनी ज़िंदगी में ना सब्जियों को ज़्यादा प्रायोरिटी देना शुरू करते हैं, और क्योंकि ये आपको हेल्दी रखने में बड़ा हेल्पफुल होती है। इसके बाद जो है वो मिड इवनिंग स्नैक के अंदर मैंने जो है ना वो खीरा लिया था, उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लिया मैंने चाट मसाला। वैसे तो कहते यही है कि चाट मसाला नमक थोड़ा कम करें, नमक तो वैसे भी हम लोग पिंक सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए वो इतना ज़्यादा जो है वो नुकसान दे तो वैसे भी नहीं है। तो एक अच्छा ये हल होता है कि आप थोड़ा से अपने टेस्ट को अच्छा करने के लिए, अगर आपके टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कुछ खट्टे मीठे को, तो चाट मसाला डाल लें और ये ठंडा भी होता है, अच्छा भी होता है और सबसे मज़े का भी होता है। और अगर बात करें रात की, तो रात को अगेन सैंडविच बनाया, सारी वेजिटेबल्स डाली थी। शामियाँ जो है वो हमें घर में बना के रखती हैं, क्या कहते हैं इसको, दाल की और कीमे की, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी लगती है मुझे, खुद बड़ी पसंद है, तो वो बनाई थी हम लोगों ने। और वो मैं अकेली नहीं खाती हूँ ये सैंडविच, सब लोग भी यही सैंडविच खाते हैं रात को। पता नहीं क्या ट्रेंड शुरू हो गया हमारे घर के अंदर कि रात को रोटी खाना ही छोड़ दी है, सब लोग जो है वो सैंडविच खाते हैं, या कभी सेवियाँ खा ली हैं कभी दलिया खा लिया है, तो सब लोग ही ये खाते हैं, तो सबको पसंद भी है ये। तो बस यही था जी आज का रात का। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं लाइफ में ना, कभी कभी नहीं हमेशा ही होता है, मैं कभी भी चीज़ों के ऊपर स्टक नहीं रहती हूँ, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं 30 डेज या 31 डेज लगातार एक जर्नी के ऊपर स्टक हूँ। बीच बीच में कुछ जो है वो अनहेल्दी चीज़ें भी खाई मैंने, और मेरा उन टाइम पर दिल कर रहा होता था कि छोड़ दूँ मैं, अब मैं अनहेल्दी खा रही हूँ तो छोड़ दूँ, लेकिन ट्रस्ट मी ये लाइफ में मेरे साथ फर्स्ट टाइम है कि मैंने अगर खाया है ना तो मैं स्टक रही हूँ कि नहीं मैंने करना ही करना है। इनके ना हेल्दी खाने के बाद नेक्स्ट टाइम मैं हमेशा कोशिश करती थी कि अब हेल्दी ही खाना है। सो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि आप कंसिस्टेंट रहे, कि एक ही साइड पे लगे रहे, इंशाल्लाह आपको रिवार्ड मिलेगा। सो ये था जी आज का दिन, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।